खटीमा में पुलिस ने मिट्टी खनन माफिया पर कार्रवाई की और रेत से भरी 3 ट्रॉली को सील कर दिया है। पूरा मामला सीमांत झनकिया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमार कार्रवाई की और जो है खेतल संडा गांव की अल्कमेस्ट्रिक रोड से 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा। पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी। साथ ही बताया कि मिट्टी खनन माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सुबह झनकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सूचना मिली कि कहीं पे खनन चल रहा है, तो उस पे द्वारा हमारे द्वारा ये जो झनकर थाना, इसको निर्देशित किया गया कि आप तुरंत क्षेत्र में जाएं और अगर अवैध हैं, बिना परमिशन के चल रहे हैं, तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। इस पर हमारे थाना झनकर की टीम मौके पर गई और मौके पर देखा तो इनके पास कोई भी परमिशन नहीं थी, तो उनको सीज कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर कुछ खनन माफियाओं पर नियंत्रण के लिए अगर सड़क पर कोई वाहन चल रहा है और उससे अगर पूछा जाए कि तुम्हारे पास लीगल रवाना है कि नहीं, तो ये चीज़ें देखने के लिए भी पुलिस को निर्देशित किया गया है। बाकी किस जमीन से, किस जगह से खनन हो रहा है, उसके लिए यहाँ के SDM हैं, तहसीलदार हैं। लोगों में एक प्रवृत्ति यहाँ रही है कि कुछ लोग तो अपनी आवश्यकता से के हिसाब से मिट्टी ले जाते हैं, कुछ लोग व्यवसाय की दृष्टि से जो अवैध करते हैं, उन पर भी हम लोगों की निगाहें हैं और आप देखिएगा इस पर